हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चार्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम में सबका स्वागत है। आज हम लोग दो स्टॉक एनालिसिस करेंगे। टेक्नो फंड एनालिसिस होगा, एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस लेवल हम लोग बताएंगे और टारगेट भी हम लोग मेंशन करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। वो स्टॉक देखने से पहले हम लोग कुछ हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग एनालिसिस किए थे, उसका प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और आगे क्या किया जाए उसके बारे में देखेंगे। जो लास्ट जुलाई में हम लोग 11 महीने पहले एग्जैक्टली अराउंड 95 लेवल ऑड लेवल में हम लोग इंद्रप्रस्थ मेडिकल हम लोग एनालिसिस किए थे। एक ब्रेकआउट स्टॉक था, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन था उसमें, तो एक्चुअली वन वे में मूव किया है। आप देख सकते हो एक्जैक्टली 95-96 लेवल हम लोग बाइंग लेवल था, तो अपना फटाफट जाके उसने अराउंड 230 का हाई लगाया उसके बाद विद इन 3-4 मंथ्स, तो एक अच्छा रिटर्न दे दिया दोस्तों। जो अभी जो भी हमारा कहने पे बाई किया अभी तक होल्ड किया तो आपको विद इन लेस देन 1 ईयर आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है। एक मल्टीबैगर रिटर्न अराउंड 180% रिटर्न आपको मिल चुका है। तो अभी क्या किया जाए, तो हम लोग उसको बीच में अभी लास्ट दिसंबर में भी हम एनालिसिस किए थे, जैसे कि ये हाई लगाया अराउंड 220 का हाई लगाया उसके बाद हम लोग उसमें वापस एनालिसिस किए थे। जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है 50 MA के आसपास आके अच्छा सपोर्ट देते हैं। अभी रिसेंटली क्या वापस एक रेंज ब्रेकआउट किया, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट किया, लगभग अराउंड 230 का लेवल ब्रेकआउट किया जो हम लोग हाई लगाया था तभी। तो अभी वो एग्जैक्टली वो लेवल ब्रेकआउट करने के बाद आप वो ये भी देख सकते हो, अपना कैंडल भी देख सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल बहुत ह्यूज कैंडल है, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी जो रिसेंट स्विंग हाई उसको ब्रेक नहीं किया, अभी भी वीक देख रहे हो तो एक बाइंग प्रेशर है उसमें। तो अभी एक लेवल पे भी अच्छा आपको एक पिरामिडिंग भी कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री भी किया जा सकता है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल में आप कंसिडर कर सकते हो, तो ए लेवल पे अच्छा लेवल है तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो इवन इनिशियल टारगेट तो अभी ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही है, क्योंकि इसमें कोई वीकनेस नहीं है। 283% 283 रुपीज़ का एक टारगेट मिलना ही है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा आया। जो अभी 2024 का रिजल्ट भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हो, देखेंगे हम लोग 2 मार्च 2024 में देखो ये रिजल्ट। अपना सेल्स पोस्ट किया अराउंड 1245 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया, वही 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन है और देख सकते हो 124 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है, वो कंपेयर टू 86 करोड़ लास्ट ईयर था। तो एक मैसिव रिजल्ट है दोस्तों, और तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसको होल्ड कीजिएगा और बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। अराउंड 350-360 का टारगेट आप नियर टर्म में आप इसमें देख सकते हो। दूसरा एक स्टॉक है दोस्तों, हम लोग नवंबर महीने में लास्ट 23 में नवंबर महीने में अपना एनालिसिस किए थे, नवंबर लास्ट में। तो अराउंड 207 रुपीज़ का 207 रुपये का हमारा बाइंग लेवल है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक भी एक बढ़िया कंपनी है, हाल ही में एक लास्ट ईयर ही अपना ये IPO आया था उसका, तो जो भी IPO में मिस किया रैली तो उसको अच्छा खासा उसमें मौका था। अब फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, तो हमारा बाइंग के बाद भी देख सकते हो, ए लेवल के बाद भी आप हाई लगाया देख सकते हो, 44% रिटर्न दे दिया विद इन 6 मंथ, तो बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। इसमें भी कोई वीकनेस नहीं चार्ट में, हायर है हायर लो पैटर्न बना रहा है। तो अगर जैसे ही गिरावट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो तो अभी प्रीवियस स्विंग लो के आसपास है, तो आप देख सकते हो ये लेवल पर भी अच्छा आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, पिरामिड भी कर सकते हो। ये जैसा फंडामेंटली स्टॉक कंपनी, आपको 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन इसमें ज़रूर होना चाहिए इसमें, तो बढ़िया कंपनी अच्छा रिटर्न आपको देने का दम कम रखता है दोस्तों। एक तीसरा स्टॉक किल्बर्न इंजीनियरिंग में हम लोग 24 मार्च में ही तीन महीना पहले हम लोग मार्च बिगनिंग में एंट्री किए थे। अराउंड 288 रुपीज़ का हमारा बाइंग लेवल था, तो उसके बाद आप देख सकते हो, तो आप रिटर्न देखिएगा तो अराउंड लेस देन 3 मंथ्स अराउंड 52% का रिटर्न दे दिया। आप ये हाई देख सकते हो अराउंड 440 का हाई लगाया। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसमें थोड़ा बहुत उसमें अपना फंडामेंटल में थोड़ा बहुत रेड फ्लैग है इसमें कंपनी में, तो इसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। लगभग अराउंड 350 के आसपास स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो, देखेंगे कैसा क्या प्ले आउट होता करके। तो ज़रूर उसमें वॉलेटिलिटी रहेगा इसमें, तो क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसको आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। और इसमें कोई अपना फ्रेश एंट्री या पिरामिडिंग का कोई इसमें ये व्यू नहीं है मेरा, तो उसको आप होल्ड कीजिएगा जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप हिट नहीं होता है, तब होल्ड कर सकते हो दोस्तों। ये हफ्ते का पहला स्टॉक है जिंदाल स्टेनलेस। तो जो हमारे चैनल में जुड़े हैं तो उनको पता होगा, क्योंकि हम लोग अक्सर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। FY24 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहा इसका और फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है। तो इवन अभी 47 बिलियन इंडियन रुपीज़ उन लोग कैपेक्स करने वाले हैं, 25 का उन लोगों का टारगेट है FY25 का। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील है, तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में कैटर करता है, लाइक ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर गुड्स में। तो मार्केट कैपिटल देख सकते हैं अराउंड 65,000 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है, और स्टॉक भी चल रहा है 25 का है और इंडस्ट्री भी 17 का है, तो काफ़ी रनअप हो चुका है अभी हाल ही में। तो इसके लिए थोड़ा बहुत वैल्यूएशन आपको महंगा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, तो उसमें रीज़न है। तो करंट प्राइस 794 का चल रहा है, तो हाई लगाया अराउंड 837 का हाई लगाया, तो
और देख सकते हैं आप अराउंड आरओसी देख सकते हो 22% का आरओसी भी है, आरओई भी अट्रैक्टिव है 19% का आरओई है और डेट इक्विटी 0.4 है और प्लेज कोई नहीं है परसेंटेज और अपना एफएस के पास भी अच्छा खासा 20% का होल्ड एफएस भी रखते हैं और आप देख सकते हो कंपनी का कोई इतना मेजर रेड फ्लैग है ही नहीं कंपनी में, जो ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन में कामकाज कर रहा है। तो अभी 24 मार्च में रिजल्ट पोस्ट किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9454 का एक सेल्स पोस्ट किया, वही आपको नेट प्रॉफिट देख सकते हो अराउंड नेट प्रॉफिट में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है 501 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है और ये ऑन ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी देख सकते हो आप अराउंड मार्च 23 में क्वार्टर आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35,000 करोड़ का था, अभी 38,562 करोड़ का एक सेल्स हो गए। बाकी वही आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 2,084 करोड़ का था लास्ट ईयर और अभी करंट ईयर में अभी FY24 में अराउंड 2,693 का एक नेट प्रॉफिट है और जो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 12% के आसपास आ रहा है और EPS भी 32.9 का EPS है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है कंपनी का लास्ट ईयर से 47% से ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड लास्ट ईयर से अराउंड 94% के मैसिव एक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है CAGR से। तो बैलेंस शीट में देखिए तो आप देख सकते हो कंपनी के पास मेजरली रिजर्व्स आप देख सकते हो अराउंड 14,193 करोड़ का एक रिजर्व्स है, उसका चलते एक बोरोइंग्स आप देख सकते हो 6,052 करोड़ का एक अपना उसके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। दो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए तो आप देख सकते हो तो जिंदाल स्टेनलेस का तो वो अभी दिसंबर 23 में लास्ट क्वार्टर में 58% प्रमोटर के पास था और यही क्वार्टर में 24 में 60% है, तो 2% अपना प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ा दिया तो काफ़ी अच्छा भी अच्छी बात है। तो और बाकी FIS के पास 20% है और DS के पास 6% है और बाकी 12% पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास काफ़ी कम है दोस्तों माल, तो इसके लिए फ्री फ्लोट बहुत कम है। तो ज़रा सा भी अभी ये सब मोमेंटम का रीज़न वही है, जो हल्का सा भी एक न्यूज़ आता है या उसका अर्निंग्स पोस्ट होता है अच्छा खासा तो उसमें आपको प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ऐसा स्टॉक बहुत अच्छा अपने को अपना शॉर्ट टर्म में अच्छा एक गेन देखने को मिल सकता है। तो हम लोग मैं पहले भी बोल चुका हूँ हर बार उसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग पोजिशनल दौर पर हम लोग पिक किया उसको, तो अभी क्या है अभी एक एक्चुअली क्या है एक नया हाई बनाया, नया हाई बना के ये हफ्ते में थोड़ा बहुत उसमें रिट्रेसमेंट हो गया, तो ये लेवल पे भी आप देख सकते हो ये हफ्ते में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आपको बिल्डअप देखने को मिला है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट लेज किया और कैपेक्स का भी न्यूज़ था तो और कुछ अभी अर्निंग्स पे भी अच्छा उसका अर्निंग्स पोस्ट कर रहा है लगातार, तो इसमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है लगभग अराउंड 1200 का टारगेट नियर टर्म में आपको मिल सकता है इसमें से। दोस्तों ये लेवल पे भी आपको एंट्री करेगा तो अराउंड 660 के आसपास पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है, 1200 का टारगेट के लिए आप उसमें काम कर सकते हो। पुल बैक में एंट्री कीजिएगा जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल देखने को मिलता है या करेक्शन आता है तो आप उसमें अच्छा आप मौका आप ढूंढ सकते हो उसमें ये स्टॉक में। तो ऐसा वाला ट्रेंड वाला स्टॉक आपको ज़्यादा पुल बैक देता नहीं है, जैसे एक दो दिन में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो भी उसमें बाइंग एमर्ज होता है उसमें। तो 660 का स्टॉप लॉस दोस्तों अराउंड 1200 का टारगेट अगेन बोल रहा हूँ मैं, तो अभी ओवरनाइट तो नहीं आएगा आपको कम से कम एक डेढ़ साल का आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए क्योंकि ये एक वीकली चार्ट है तो आपको उतना तो पेशेंस तो होना चाहिए। जिंदाल स्टेनलेस आप वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये हफ्ते का दूसरा स्टॉक है ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये करती क्या है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ लाइक इसका इनकम आता है इन्वेस्टमेंट शेयर्स सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड एंड प्रोवाइडिंग सम लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम्स लाइक मार्केट कैपिटल देख सकते हो 14,000 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है, स्टॉक पी देख सकते हो 3.32 स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी देख सकते हो 19 का है और ROC 52.6 का है, ROE 61% का है, डेट टू इक्विटी 0.06% और कोई परसेंटेज प्लेज भी नहीं है, FIS के पास अच्छा खासा 7.19% का होल्डिंग है और डिविडेंड भी कुछ नहीं है। ठीक है डिविडेंड के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, एनीवे आप देख सकते हो आगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हो बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख सकते हो एक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी एक क्वार्टर में अराउंड 1,339 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया और ये प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, अराउंड नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1,537 का एक नेट प्रॉफिट पोस्ट किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो सेल्स में देख सकते हो लास्ट ईयर अराउंड 539 करोड़ का एक सेल्स था और यही अभी 4,376 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया, एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हो ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हो 96% बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी और जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसा वाला स्टॉक ऐसा पीयर्स में काफ़ी अच्छा अभी रन अप हो चुका है लाइक आनंद राठी हो गया, AIFL सिक्योरिटी और शेयर इंडिया ये सब वेल्थ फर्स्ट ये सब कंपनी काफ़ी बूम हो चुका है। तो अभी ये भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों,
अभी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, लेकिन FIS के पास है उसके पास होल्डिंग तो, और कंपनी के पास रिजर्व 10,000 crores का रिजर्व है, उसका चलते अराउंड 637 crores का एक माइनस ऑफ डेट है। तो आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 74% पब्लिक अपना प्रमोटर के पास है, तो 7% FIS के पास है और पब्लिक के पास 18% है। इसमें भी पब्लिक के पास बहुत कम है, तो आपको क्लियरली आपको विजिबल है, जैसे कि पब्लिक के पास जो का अपना फ्री फ्लोट कम रहता है तो उसमें एक स्टॉक प्राइस में एक जंप देखने को मिलता है, ज़रा सा भी उसमें एक मोमेंटम आ गया तो अच्छा एक रन अप देखने को मिलता है। तो अभी जो देख सकते हो एक ब्रेकआउट लेवल पे अभी हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 274 rupees में, एक वन वे रैली देखने को मिला है, जो हाई देख सकते हो 1000 rupees का एक हाई भी लगाया, उसके बाद आप देख सकते हो रिसेंट से एक करेक्शन हुआ है, तो अराउंड ये भी ट्रेंड लाइन के आसपास एक ट्रेंड लाइन रहा, तो आप उसमें एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलता है। तो ए लेवल पे भी एंट्री रहेगा तो आप अराउंड 690 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के अराउंड 1 से 2 साल का आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन रख सकते हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थीम में काम करता है, ऑट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये सेक्टर ही बुलिश है क्योंकि काफ़ी सारा अवेयरनेस हो चुका है और इन्वेस्टमेंट जो अपना सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है पब्लिक का भी अभी संख्या बढ़ गया है, तो और डीमैट अकाउंट जितना भी बढ़ रहा है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी उनका एक फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए हम लोग उसको शॉर्ट लिस्ट किया, तो हमारा टारगेट बनता है ये स्टॉक में, तो नियर टर्म तो 1000 rupees का तो टच होना ही है, अराउंड उसमें भी अराउंड 1380 का 1380 rupees का एक टारगेट बनता है नियर टर्म में, एक डेढ़ साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखिए, तो हल्का सा गिरावट आएगा तो उसमें आपको लेने का चेष्टा कर सकते हो। इसमें भी आप एक साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो ये सब टारगेट भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया और आप एंट्री लेवल भी आप कर सकते हो जैसे जैसे डिप आता है। दोनों स्टॉक्स दोस्तों वीकेंड में आप स्टडी कीजिएगा, और मेरे को तो दोनों स्टॉक का पैरामीटर बहुत अच्छा लगता है, तो आपके पास अगर कैपिटल अलाउ करता है तो आप बाय ऑन डिप्स आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।